आज मैं फिश की एक और रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तवा फिश बनाएंगे, बहुत जबरदस्त बनेगी ये, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बन जाएगी। तवा फिश बनाने के लिए मुझे जिन चीजों की जरूरत है, फिश मैंने ली है बोनलेस, प्याज दो दरमियाने साइज के, और प्याज को मैंने ऑमलेट कटिंग में कट कर लेना है, बहुत ही बारीक इसकी कटिंग होगी। इसी तरह लहसुन मैंने लिया है, ये तकरीबन 20 कलियां लहसुन की है, 3 हरी मिर्चें, ये फ्रेश कोरिएंडर है, धनिया, ग्रैंड मसालों में इसमें 1 टीस्पून अजवाइन जाएगी, 2 टीस्पून गर्म मसाला मिक्स, 2 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून ये सूख मिर्च है, और 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक। लहसुन को भी बारीक पीस लेती हूँ और प्याज की भी कटिंग कर लेती हूँ। प्याज और लहसुन मैंने रेडी कर लिए हैं, अब ये सारे ड्राई मसाले इसमें मैं शामिल कर दूंगी। शामिल करने के बाद इनको आपस में अच्छे से मिक्स करना है। इसमें प्याज जितना बारीक होगा उतने फिश में मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देखें सब चीजें अच्छे से लहसुन और प्याज में मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं रख लेती हूँ तवा। तवे पे मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें ऐसे फिश रख देंगे। फिश के आपने उतने पीसेस डालने हैं जितने इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं तवे पे। तवे पे फिश डालने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर करूंगी। आप इसको कवर कर दें, 2 से 3 मिनट के बाद इसका कवर हटा दें। अब इसकी साइड चेंज करनी है। अब इसमें ये जो हमने मसाला मिक्स किया है, 3 टेबल स्पून से मैं ये मसाला शामिल कर दूंगी। अब इस मसाले के साथ इसको हम पकाते रहेंगे। इसी तरह सेम 2 से 3 मिनट ही मैं इस साइड से भी इसको अभी रखूंगी। उसके बाद ये मसाला मैं इसके साथ फिश के साथ मिक्स करना स्टार्ट कर दूंगी। 2 से 3 मिनट के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हम हिलाना स्टार्ट करेंगे। इसकी साइड चेंज करें। बहुत इसको बारीक पीसेस में नहीं करना, बस ये हल्के हल्के 1 से 2 से 3 पीस में बना रही हूँ। तो जो आप इसको पकाते रहेंगे ये खुद ही ऐसा ऐसा बारीक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब एक तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ फिश की। आंच अब मैंने मीडियम कर ली है।
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये फ़िश रेडी हो रही है, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और ये तवा फ़िश बिल्कुल रेडी है। फ़िश की ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ मैं ये नीचे से उतारती जा रही हूँ ताकि ज़्यादा नीचे चिपक ना जाए। इसका मसाला आपने जलने नहीं देना, लगातार इसको हिलाते रहना। देखते हैं फिश हमारी बिल्कुल रेडी है। ऑयल इतनी मिकदार में आपने डालना है कि जो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, इसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। बहुत ही हेल्दी फूड है ये, सर्दियों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको ज़रूर खाया करें। अब एंड में मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया और हरी मिर्च। डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। लीजिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी तवा फिश रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब।